गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हम ले रहे थे नैम रिएक्शन। नैम रिएक्शन में हमने 3-4 नैम रिएक्शन की स्टडी कर ली। आप लोगों के पास जो एल्डोल कंडेंशन थी वो हमने देख ली, पर्किन रिएक्शन देख ली, बेंजोइन कंडेंशन रिएक्शन देख ली। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को 2 रिएक्शन बताई थी, विटिंग आप लोगों के पास है और एक मैनिक अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शन हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट जो करेंगे वो न्यू नैम रिएक्शन है आप लोगों के पास, नॉवेंजियन कंडेंशन रिएक्शन। अभी जो आप लोग कंडेंशन जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी 1-2 रिएक्शन ली थी, एल्डोल कंडेंशन, बेंजोइन कंडेंशन। कंडेंशन का मतलब संघनन। संघनन में क्या होगा आप लोगों के पास, ये जो छोटे इस रिएक्शन में क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल आप लोगों के पास होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, H2O, NH3, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रिमूवल होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें आप लोगों के पास छोटे जो आप लोगों के पास अणु होते हैं उनका रिमूवल होता है या फिर निष्कासन होता है, उसे आप लोग बोलते हो कंडेंशन। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, यहाँ से भी अपने पास कुछ ना कुछ पार्ट रिमूव होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हैलाइड हो, NH3 हो या फिर आप लोगों के पास H2O हो। तो हम लेके चलेंगे नॉवेंजियन कंडेंशन के लिए। नॉवेंजियन कंडेंशन में क्या होता है आप लोगों के पास, यहाँ हम लेते हैं एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की रिएक्शंस करवाते हैं हम एथिल मेलोनेट के साथ। यानी कि ऐसे आप लोगों के पास ऐसा एस्टर आप लोगों को यूज़ करना है जिसके पास सक्रिय मैथिलीन समूह उपस्थित हो। तो ये होता है आप लोगों के पास एथिल मेलोनेट, ये आप लोगों के पास होता है एथिल मेलोनेट। इसमें क्या होता है आप लोगों को, मेलोनिक जो एसिड होती है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, CH2, और आप लोग CH2 जो ग्रुप होता है उससे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है मेलोनिक एसिड। हमें क्या बनाना है, इस एसिड से इसको एस्टर में चेंज करना है। तो जब भी हमें एसिड से एस्टर बनाना होता है हम क्या करते हैं, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवा देते हैं। अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाने पर अपने पास कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण हो जाता है। उस एस्ट्रीकरण के द्वारा हम बना लेते हैं आप लोगों के पास जो होता है एस्टर। तो ये अपने था कि यहाँ जो आप लोगों को जो रिएजेंट के रूप में यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, एथिल मेलोनेट। तो ये आप लोगों के पास होगा एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड में यूज करना है, चाहे आप लोग कीटोन लो चाहे आप लोग एल्डिहाइड हो। तो इसमें आगे क्या होगा आप लोगों के पास, यहाँ जो हम कैटालिस्ट के रूप में यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैटालिस्ट के रूप में अभी तक हम क्या यूज करते हैं, या आप लोग या तो बेस यूज करते हैं या फिर एसिड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी आप लोगों को बेस यूज करना है, लेकिन वो ऑर्गेनिक बेस यूज करना है, कार्बनिक क्षार। जैसे कार्बनिक क्षार आप लोग लेके चलते हो पिरिडीन। पिरिडीन होता है, पिरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये आप लोगों के पास होता है पिरिडीन। पिरिडीन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन जो होता है वो आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो पढ़ते हो आप लोगों के पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होता है अपने पास नाइट्रोजन। क्या होता है इसमें, बेंजीन रिंग में अगर एक कार्बन एटम का रिप्लेसमेंट हम नाइट्रोजन के थ्रू कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम पिरिडीन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये क्या है, कार्बनिक क्षार है। क्यों है आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों के पास क्या है प्रेजेंट है, कार्बनिक रिंग मतलब ऑर्गेनिक आप लोगों के पास रिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के क्या क्या प्रेजेंट है, एलपी प्रेजेंट है। और ये एलपी क्या करेगी अपने पास, डोनेट करेगा अपने पास जो भी आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन किसी भी एसिड के साथ आप लोग रिएक्शन करवाओगे तो उसको एलपी डोनेट करेगा। तो ये क्या है आप लोगों के पास, कार्बनिक क्षार है। तो यहाँ ये आप लोगों के पास जो कैटालिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आप लोग, ऑर्गेनिक बेस कार्बनिक क्षार यूज करते हैं। यहाँ हो गया अपना, आगे अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से आप लोगों के पास H2O, यहाँ से हम लेंगे H2 और यहाँ से लेंगे ऑक्सीजन। ऐसे करके हमें H2O का रिमूवल करना है, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, कंडेंशन रिएक्शन है। कंडेंशन रिएक्शन में क्या करना है, कोई सा भी आप लोगों के पास जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिमूवल करना है। तो जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे CH आप लोगों के पास है, यहाँ पे आप लोग कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड शो करेंगे, ये बन जाएगा आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास जो स्पीसीज बनेगी, यानी कि आप लोगों के पास जो एस्टर बनेगा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये आप लोगों के पास यहाँ तक की जो रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं हम नॉवेंजियन कंडेंशन। लेकिन हम क्या करेंगे, इस रिएक्शंस को कंप्लीट कराने के लिए आगे हम क्या करेंगे, इसमें 1-2 प्रोसेस और यूज़ करेंगे और उससे हम बनाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। आप लोगों के पास अल्फा बीटा असंतृप्त जो अम्ल होते हैं उनकी हम फॉर्मेशन करेंगे। तो हम क्या करवाएंगे, अगर इस यहाँ तक की जब एल्डिहाइड कंपाउंड की एथिल मेलोनेट के साथ पिरिडीन
क्षार की उपस्थिति में आप लोग रिएक्शंस करवाते हो तो ये बनता है आप लोगों के पास असंतृप्त एस्टर। तो असंतृप्त एस्टर बनने तक की क्रिया को हम बोलते हैं नॉवेंजन कंडेंशन। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस और यूज करें यहाँ पे आप लोगों के पास जो एस्टर बना इसके हम क्या कराएं वापस से, अगर हम एथिल मेलानोएट की ज़्यादा क्वांटिटी लेकर वापस से इसके साथ रिएक्शन शो कर दें, ये रिएक्शन जो आप लोगों के पास होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ये जो आप लोगों के पास इधर वाला जो पार्ट है रिएजेंट सबस्ट्रेट वो वापस प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएजेंट में आप लोगों के पास चेंज हो सकता है। तो जैसे ही हम वापस से इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी हम लेंगे एथिल मेलानोएट की, तो ये आप लोगों के पास है जो अपना प्रोडक्ट बना, प्लस हम क्या लेंगे इसकी वापस रिएक्शंस करवाएंगे एथिल मेलानोएट के साथ वापस हम रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, ऑर्गेनिक बेस यूज़ करना है। तो ऑर्गेनिक बेस के रूप में भी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पिरिडीन जैसे ही यूज़ करेंगे यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी आप लोगों के पास, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ आप लोगों के पास जो मैथिलीन ग्रुप है वो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, तो ये क्या कर सकता है मैथिलीन ग्रुप, अगर हम इसको देखते हैं ये आप लोगों के पास होता है ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा होती है इसकी, यहाँ इसमें क्या होता है जो मैथिलीन ग्रुप है उसके पास क्या प्रेजेंट है, दो कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है आप लोगों के पास। तो ये क्या कर सकता है आप लोगों के पास, अगर यहाँ से मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दूँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, इसके इलेक्ट्रॉनों का मूव हम कार्बन पे करवाकर यहाँ पे जैसे ही करवाएं तो ये तो क्या होगा एच प्लस के रूप में रिमूव हो जाएगा, प्लस इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन की तरफ मूव कर सकता है और ये कार्बन के ऊपर जो आप लोगों के पास कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके पास जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपने पास क्या होती है यहाँ पे, ये जो आप लोगों के पास मैथिलीन जो ग्रुप होता है यानी कि आप लोग जो एथिल मेलानेट रूप ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है आप लोगों के पास स्टेबिलिटी शो करता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है, संयुग्मन पाया जाता है, जहाँ पर भी अपना कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस आ जाता है वो अपने पास अपने जो स्पीसीज होती है वो अपने आप में स्टेबिलिटी शो करने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास एथिल मेलानेट वो क्या होता है स्टेबल स्पीसीज होती है, तो हम इजी वे में क्या करवा सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव करवा सकते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोजन का रिमूव करवाएंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन, जैसे ही हम हाइड्रोजन का रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के पास ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, कार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे ही कार्बन की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, प्लस अपने पास यहाँ जो है वो हम क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन का मूव भी यहाँ करवा सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे ही हम मूवमेंट शो करेंगे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से तो हम रिएक्शंस करवा देंगे यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ, प्लस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो एच प्लस जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा उसके साथ रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो हम लिखे अगर रिएक्शन आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा, जैसे मूवमेंट करेंगे यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से हम करवाएंगे एस्टर की अटैचमेंट, और ये तो हमने क्या किया पूरी तरह से इस हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर दिया, तो ये तो इसके साथ अटैचमेंट शो नहीं करेगा। यहाँ पे जो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा हम क्या करवाएंगे इस नेगेटिव के साथ इसकी रिएक्शंस करवा देंगे। तो ये CH आप लोगों के पास है और ये SPCs अपने पास एज इट इज, तो ये आप लोगों के पास होता है यहाँ तक की जो रिएक्शंस होती है, यानी कि हम क्या करेंगे जो आप लोगों के पास अल्फा बीटा जो आप लोगों के पास एस्टर बना असंतृप्त एस्टर बना उसकी हम रिएक्शंस करवाएं अगर वापस एथिल मेलानोएट के साथ कार्बनिक क्षार की उपस्थिति में, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम, यह वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम माइकेल संघनन। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछ लेता है यहाँ से, आप लोगों को नॉवेंजन कंडेंशन रिएक्शन ना देकर आप लोगों को पूछ लेता है माइकेल कंडेंशन रिएक्शन। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले नॉवेंजन कंडेंशन से आप लोगों को एस्टर की फॉर्मेशन करनी है, उस एस्टर को क्या करना है एथिल मेलानेट की ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आप लोगों को वापस उसके साथ रिएक्शन शो करनी है। जैसे ही रिएक्शन शो होगी आप लोगों के पास एक स्पीसीज बनेगी डाइएस्टर के अपने पास बनेगी, इसे आप लोगों को बोलेंगे ये जो प्रोसेस होगी इसके नीचे वाली हम इसे बोलेंगे माइकेल कंडेंशन रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है नॉवेंजन कंडेंशन
एडिशन रिएक्शन की, लेकिन यहाँ तक कि अपने पास जो ये वाली जो प्रोसेस आ जाती है अपने पास नौ इंजन और कंडेंशन, ये इसका नौ इंजन का मेन प्रोडक्ट होता है और ये माइकल का मेन प्रोडक्ट होता है। लेकिन हम क्या करवाते हैं, इस रिएक्शन को पॉलीमर में यूज़ में लेते हैं, बहुलीकरण जो रिएक्शन होती है वहाँ यूज़ में लेने के लिए हम क्या करवाते हैं, इसके आगे एक दो प्रोसेस और करवाते हैं, फिर आप लोगों का जो बनता है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बनता है, उसका हम यूज़ करते हैं पॉलीमर के रूप में। तो ये वाली यहाँ तक की बात हुई अपनी, आगे देखते हैं। ये आप लोगों के पास एस्टर बन गया, अब हम क्या करवाएंगे, ये जो आप लोगों के पास एस्टर बना हम क्या करवाएंगे इसके आगे, इसका आगे हम इसमें एक प्रोसेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कहाँ रिएक्शंस होगी, यहाँ अपने पास पॉसिबल नहीं है, अपने पास बचा क्या, ये एस्टर ग्रुप बचा, तो यहाँ रिएक्शंस होगी, ये आप लोगों के पास है C2H5 यानी कि आप लोगों के पास एस्टर ग्रुप है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे, तो पोटेशियम प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, यहाँ से ये डिसोसिएट होगा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव से और ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव से, ऐसे करके रिएक्शंस होगी। तो यहाँ हम करवाएँ आप लोगों के पास, तो RCH, ये आप लोगों के पास C00 मतलब पोटेशियम, और ये पोटेशियम आप लोगों के पास बन जाएगा प्लस C2H5OH अपने पास रिमूव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ एक प्रोसेस हमें यूज़ करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवानी है। जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो पोटेशियम पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव पार्ट होता है, यहाँ पर भी हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, तो ये वाला जो आप लोगों के पास पोटेशियम है वो तो KCl के फॉर्म में आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देगा, यहाँ से जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैचमेंट शो करेगा, हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही बनेगा आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन जाएंगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे भी करवानी पड़ेगी रिएक्शन क्योंकि आप लोगों के पास सेम स्पीसीज है। तो जैसे ही ये रिएक्शंस होगी आप लोगों के पास, या आप लोग हमारे पास बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड आप लोगों के पास बन गया। आगे हम क्या करवाएंगे इस रिएक्शंस में, आगे हम क्या करवा सकते हैं, इसमें से एक CO2, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, थोड़ा सा हम टेम्परेचर देते हैं 175 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर देते हैं, लगभग इसके टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या करता है, हीट करने पर अपने पास यहाँ से CO2 रिमूवल हो जाता है। जैसे ही इसमें से CO2 रिमूव होता है आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों के पास बन जाता है, आप लोगों के पास जैसे हाइड्रोजन तो यहाँ पे रहेगा अपने पास, ये बन गया आप लोगों के पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो ये होती है रिएक्शन कि नॉवेंजन कंडेंशन रिएक्शन अपने पास यहाँ तक स्टॉप हो जाती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शंस को पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक दो प्रोसेस और यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाने पर अपने पास क्या बनता है, आप लोगों के पास पोटेशियम एस्टर बनता है। जैसे ही हम यहाँ पे लेते हैं तो उसकी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाकर बनाते हैं अल्फा बीटा डाई एसिड, फिर जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास ये जो R ग्रुप है, अगर उसकी जगह हम CH3 लेते हैं, यहाँ पे जो R है उसकी जगह अगर हम CH3 यानी कि मैथिल ग्रुप अगर आप लोग लेते हो यहाँ पे, तो आप लोगों के पास क्या बनता है, CH3, या आप लोगों के पास डबल बॉन्ड और ये COOH, इसे बोलते हैं हम क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ये जो प्रोटोनिक एसिड आता है यही यूज़ में आता है आप लोगों के पास पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हम ये जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो मेनली पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण के लिए करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये वाली स्पीसीज बन जाएगी, आप लोगों के पास क्या होगा, पॉलीमराइजेशन का मोनोमर होगा, इस मोनोमर का क्या करवाएंगे हम, कंडेंशन करवाकर आगे आप लोगों के पास इसके क्या करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण करवाएंगे। तो ये हुई आप लोगों के पास नौ इंजन कंडेंशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम आप लोगों के पास है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस लेके चलते हैं हम रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जैसे ही हम करवाएंगे रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया, ये होगी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आप लोगों को क्या करना है,
यहाँ पे आप लोगों के पास रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में आप लोगों को क्या लेना है, कार्बोनिल कंपाउंड तो हमें एज इट इज यूज करना ही है। कार्बोनिल कंपाउंड जो आप लोगों के पास होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का हम यूज करेंगे जैसे एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम यहाँ पे लेज के लिए चलते हैं एसीटोन के साथ नॉर्मल अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ पे, जैसे आप लोगों के पास है कीटोन जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एसीटोन, ये जो एसीटोन है इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे अल्फा हेलो एस्टर के साथ, अल्फा हेलो एस्टर के साथ, अल्फा हेलो एस्टर के साथ, अल्फा हेलो एस्टर के साथ जैसे रिएक्शंस होगी अल्फा हेलो एस्टर, जैसे ही हम अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे, तो ये जो कैटालिस्ट के रूप में हम ये रिएक्शन यूज में लेंगे आप लोगों के पास जो आएंगे वो होगा जिंक और ईथर, ये हम यूज़ में लेंगे इस रिएक्शंस में। ईथर आप लोगों के पास सॉल्वेंट के रूप में आएगा और जिंक कैटालिस्ट के रूप में यूज़ में आएगा। अल्फा हेलो एस्टर के साथ कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस करवाने पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो आप लोगों के पास कार्बन के पास जो दो हाइड्रोजन है यहाँ से एस टू और ये वाला आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा। जैसे ही हम रिमूवल करवाएंगे यहाँ पे क्या बनेगा CH3, ये कार्बन के ऊपर मैथिल ग्रुप अपने पास बचा है, यहाँ पे आप लोगों का जो कार्बन था उसे अटैच करवाएंगे हम ये आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे अल्फा हेलो एस्टर, जैसे हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे आप लोगों के पास ये बन जाएगा, जैसे हम इस स्टोर रिमूव करवाएंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा ये वाली स्पीसीज। तो ये जैसे ही स्पीसीज बनेगी आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस ही आप लोगों की फुलफिल नहीं है, जैसे एस टू रिमूव करवाएंगे तो ये आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनना है इसका नाम आप लोग देंगे। अगर हम इसको करें 1 1 2 3 आप लोगों के पास है तो 2 हाइड्रोक्सी आप लोगों के पास, 3 मैथिल और आप लोगों के पास बन जाएगा ब्यूटेनोइड। तो ये आप लोगों का प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शंस का। हम इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं कि ये रिएक्शंस में आप लोगों के पास मैकेनिज्म कैसे होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करवाएंगे आप लोगों के पास जो जिंक जो आप लोगों के पास है उसकी ब्रोमो अल्फा ब्रोमो जो एस्टर है उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस होगी यहाँ पे आप लोगों के पास तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास प्रोडक्ट। तो हम करवाते हैं एक बार इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं, इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात करते हैं हम। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आप लोगों का जिंक है उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे हम, हमारा जो लिया था अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये जो आप लोगों के पास अल्फा ब्रोमो एस्टर है एल्थिल जो आप लोगों के पास है ये आप लोगों के पास है अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये आप लोगों के पास है अल्फा हेलो ब्रोमो एस्टर या फिर अल्फा हेलो ब्रोमो एस्टर। हमारे पास जिंक के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रिएक्शंस होगी, तो ये जैसे ही जिंक के साथ रिएक्शंस करेगा क्या बनाएगा, क्योंकि यहाँ जिंक के ऊपर क्या होता है नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो जिंक ब्रोमीन यहाँ अपना CH2 COOC2H5 ये आप लोगों के पास एक स्पीसीज आएगी। इस स्पीसीज में से हम क्या करेंगे, अब आप लोगों के पास हमें इस स्पीसीज को रिएक्शंस करवाने हैं किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का हमने क्या लिया था यहाँ पे कीटोन हमने यूज़ किया था, तो उस कीटोन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे हम जिंक ब्रोमो आप लोगों के पास जो एस्टर बना ये आप लोगों के पास होता है। हम क्या करवाएंगे, ईथर हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में ले रहे हैं इस रिएक्शंस में। जैसे ही हम ईथर के साथ अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट को अगर देखें आप लोगों के पास, तो यहाँ क्या होगा जिंक के ऊपर पॉजिटिव पार्ट आएगा, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव पार्ट आएगा और इस कार्बन जो आप लोगों के पास स्पीसीज है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट आएगा। तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे हम रिएक्शंस करवाएं, अगर आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट का हमें जोड़ना है अटैचमेंट करवाना है, तो हम क्या करवाएंगे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका मूव करवाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव होगा आप लोगों के पास यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ रिएक्शंस करवा देंगे हम इस नेगेटिव पार्ट की और यहां जो नेगेटिव पार्ट आएगा वहां जोड़ देंगे हम जिंक ब्रोमीन। तो हम रिएक्शंस करवाते हैं यहां पे CH3 यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज से हम जोड़ देंगे
जो आप लोगों का पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जिंक और ब्रोमीन को, बाकी जो अपने पास यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट आएगा जैसे हम मूवमेंट करवाएंगे या नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का बन जाएगा इंटरमीडिएट। जैसे ही हम इस इंटरमीडिएट का आगे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे ही हम जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस का अपने पास बचा क्या है यहाँ पे, इस आप लोगों के पास ऑक्सीजन है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट है और ये जो जिंक है उसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट है। तो हाइड्रोलाइसिस से हमें ये मिलता है कि H प्लस मिलता है और OH माइनस मिलता है, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, हम क्या करवाएंगे इससे हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे। जैसे ही हम हाइड्रोजन अटैच करवाते हैं, यहाँ से हमने करवाया हाइड्रोजन अटैच, ये आप लोगों की स्पीसीज, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होगा। प्लस अपने पास रिमूव क्या हो जाएगा इस, यहाँ से अगर हाइड्रोलाइसिस करवाने पर रिमूव होगा ZN BrOH, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, ये जो H3O प्लस है अपने पास हाइड्रोक्सोनियम आयन है वो पहले डिसोसिएट होता है H प्लस और H2O में, फिर H2O आप लोगों को देगा H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ हमें ओनली फॉर क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए जिसके साथ हमने रिएक्शंस करवा दी। तो ये बना आप लोगों के पास, अगर हम देखें इसमें अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ये आप लोगों का मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शंस का। आगे हम इसमें एक प्रोसेस और यूज कर सकते हैं रिफॉर्मेट्स के रिएक्शंस में, अगर हमें क्या करना है इस अल्फा जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी एस्टर होता है, अगर हम क्या करवाएं, यहाँ से अपने पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ से क्या करवा दें आप लोगों के पास H2O का रिमूव करवा दे, डिहाइड्रेशन करवा दे, कंडेंशन करवा दे अगर हम यहाँ पे, तो जो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त अनसेचुरेटेड एस्टर। रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन में आप लोगों के जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यही होता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। हम क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, एस्टर आप लोगों के पास अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं यहाँ पर आप लोगों की। तो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ तक की, जो आप लोगों के पास पार्ट हुआ ये वाला, यहाँ तक ये वाला हुआ आप लोगों का रिफॉर्मेट्स के रिएक्शन की मैकेनिज्म। आगे हम क्या करवाते हैं, जैसे ही हमें क्या करवाना है डिहाइड्रेशन करवा देते हैं तो अपने पास बन जाता है आप लोगों के पास अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। तो ये इसकी आप लोगों के पास मैकेनिज्म की थी कि जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शंस होती है उसमें क्या बनता है। आप लोगों को क्या करना है, इन रिएक्शंस को याद करने के लिए सबसे पहले एक एक एंजाइम रिएक्शंस आप लोगों को लिखनी है, उसका क्या लिखना है आप लोगों को, रिएजेंट लिखना है, सबस्ट्रेट लिखना है, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो वो लिखना है, उसके बाद में उसका प्रोडक्ट बनाना है। मैकेनिज्म आप लोग क्या करोगे डिपेंड आप लोगों को करना पड़ेगा कि आप लोग कैटलिस्ट का कैसे यूज़ कर सकते हो, पाई बॉन्ड को कहाँ घुमाना है आप लोगों को। जैसे आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के रिवाइज होता जाएगा ये वाली चीज। तो ये नैम रिएक्शन वाला पार्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के कार्बोनिल कंपाउंड जो चैप्टर है वहां पे इसी पार्ट से ज्यादा रिएक्शन आप लोगों को पूछता है। यहां से या तो वो डायरेक्ट आप लोगों को रिएक्शन दे देता है, उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल देता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करता है आप लोगों के पास, जैसे राइट शॉर्ट नॉट ऑन द फॉलोइंग, इन पर टिप्पणी आप लोगों को पूछ लेता है। जैसे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन लिख दी उसने, क्लेजन कंडेंशन लिख दी आप लोगों के पास, कैनिजारो रिएक्शन लिख दी, तो वहां आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।